और आठ को आने का मौका नहीं मिलेगा बेचारे को। कहां? बारह से स्टार्ट होगा, चार के पहाड़ा, कितने चार के गुणज है, तो बारह, सोलह, बीस और ये 248। क्यों? 250 में अगर भाग लगाएंगे ना चार, तो दो शेष बचेंगे ऐसा। और बच्चों अब ये खुद कर लेना ना, शॉर्टकट में बता देता हूं मैं तो, अगर चार का भाग लगाया ना इसमें, चार का तो 62 आया, कितना 62, और उसमें बेचारे दो नहीं आए ना, घटा लिए 60। अब इसी तरह से खुद कर लेना, इसको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, आपको जो मेन बात थी ना वो बता दी मैंने आपको, उतार लो इसको, इतना ही काफी है, वही एन का मान निकालना है, 60 आएगा उत्तर। हम और ही कोई सवाल ले लेते हैं, उतारते रहिए। इसका 12वां सवाल देखिए, सवाल नंबर 12 है, सवाल नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंत। ये देखो, ये जो 12वां सवाल है ना, ये जनरल नॉलेज का है। जैसे आपकी और मेरी उम्र में फर्क, मान लो आप 20 साल, मान लो बच्चों 20 साल, आप 15 के और मैं 35 के मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए अपने आप को, ठीक है, 20 का। अब ये अंतर जिंदगी भर रहेगा बच्चों, बिल्कुल 20 साल का। आप जब 50 के मिलोगे, मैं 70 का मिलूंगा, अगर सब कुछ ईश्वर की कृपा रही तो। तो यहां पे ये जो 70 वाला मामला है ना, वो का वही यहां लगेगा। 20 का अंतर मतलब वो 20 का अंतर, जब आप एक के थे, एक वर्ष के, तो मैं 21 साल का था, 20 का अंतर मान रहे हैं हम, वही यहां है। क्या बोला है इसने,